हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़े थे वर्क एनर्जी एंड पावर। हम उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा 5th क्वेश्चन क्या है। अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ऑफ ए ऑन अ टेबल। इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी इफ द लाइन जॉइनिंग ए बी इज हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, एक्सप्लेन। ओके, अब ये बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वो टेबल में रखा हुआ है किसी पॉइंट ए पर, फिर उसने मूवमेंट किया किसी पॉइंट बी तक टेबल में। ठीक है, जब हम ए बी लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वो कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टली लाइन है। ऑब्वियसली टेबल ऐसा है तो वो ऐसे मूव करे, तो कहीं भी मूव करे तो वो बनाएगा तो हॉरिजॉन्टली लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने वर्क डन करा या नहीं करा। अब देखिए, जो हॉरिजॉन्टली अगर कोई मूवमेंट हो रहा होता है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो हमेशा उसके थ्रू, जो ग्रेविटेशन के थ्रू जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। अगर वर्टिकली आपका ऑब्जेक्ट अप डाउन कर रहा है तब उसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अदरवाइज हॉरिजॉन्टली में नहीं लगता है। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसमें जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क कर रहा है उसके थ्रू, वो जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। डज दिस वोल्टेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये क्या बोला है, द पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये बोला है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट के पास वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये बता रहा है does this violate the law of conservation of energy। तो जो conservation of, जो law है conservation of energy का, क्या उसको ये उसको झुटला रहा है, क्या उसको गलत प्रूफ कर रहा है, violate मतलब क्या वो उसको गलत प्रूफ कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपने लॉ में क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या बोलता है, एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, पर आप उसे क्रिएट नहीं कर सकते, उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी कभी भी किसी एनर्जी को बना नहीं सकते और ना ही उस एनर्जी को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसमें हमको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ठीक है, वो जब नीचे गिर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर एक टाइम बाद तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन ये क्या सही बात है, क्या ऐसा ही होगा कि डिक्रीज होते होते वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। दो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर है स्टेशनरी पोजीशन में रखा हुआ है तब उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो नीचे गिरना चालू करेगा तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी, पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ी है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को गलत प्रूफ नहीं कर रहा है, ये उसको सही प्रूफ कर रहा है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल। ठीक है, अब ये बोला है जब आप साइकिल चला रहे हो तब व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो उसमें एनर्जी चेंज हो रही है, हमें वो बताना है वो जब आप साइकिल चला रहे हो। ठीक है, जब आप साइकिल चला रहे हो तो आपके पास साइकिल चलाने के लिए मस्कुलर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, आपके मसल्स में क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, मीन्स आपके पास मस्कुलर एनर्जी है तब आप साइकिल चला रहे हो। तो फिर आपकी साइकिल चलाने से क्या होगा, जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है वो चेंज हो रही होगी, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही होगी। ठीक है, मस्कुलर एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ हंग रॉक विद योर ऑल माइट एंड फेल टू मूव इट वेयर द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप एक रॉक है, एक बड़ा सा रॉक है, उसको आप पुश कर रहे हो, पर आप पूरी ताकत लगाने के बाद भी क्या हो जा रहे हो, फेल हो जा रहे हो। ठीक है, आप उस रॉक को नहीं हिला पा रहे हो और अपने आप के तरफ लगा रहे हो, पूरी ताकत लगा रहे हो, तो ये बोल रहा है वो एनर्जी कहाँ जा रही है। तो ये क्या बोल रहा है, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, तो एनर्जी क्या वो खत्म हो जा रही है, वो एनर्जी कुछ काम नहीं कर रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आप रॉक को पुश तो कर रहे हो और उसने काम कुछ नहीं किया, तो आपकी एनर्जी क्या वेस्ट हो गई, कहाँ गई वो एनर्जी, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो एनर्जी हो रही है वो चेंज हो जा रही है हीट एनर्जी में। ठीक है, जब आप कोई काम करते हो तो फिर आपको क्या हो जाता है, गर्म हो जा रहा है आप। ठीक है, बहुत ताकत से उसको कर रहे हो पर वो काम हो नहीं रहा है, पर जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है वो किसमें चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। आपको क्या हो रहा है, हॉट फील हो रहा है। ठीक है,
ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे।